यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने की वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। इस वजह से पुतिन अब बहुत से लोगों के निशाने पर हैं। एक एक्सपर्ट का मानना है कि पुतिन की बेटियां उनकी हत्या कर सकती हैं। रूस ने यूक्रेन पर जब से हमला किया है तब से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्रेमलिन के टॉप अधिकारी पुतिन को पद से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर पुतिन की सत्ता गई तो उनकी जगह पूर्व केजीबी एजेंट अलेक्जेंडर वोर्तिनिकोव को रूस का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई एक्सपर्ट डॉक्टर लियोनिड पेट्रोव ने अनुमान लगाया है कि अगर कोई व्लादिमीर पुतिन की हत्या करेगा तो वो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनका बहुत ही करीबी होगा। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि अगर कोई हत्या का प्रयास करता है तो वो एक महिला द्वारा होगा। हो सकता है कि ऐसा उनके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा किया जाए। हत्या करने वाला व्यक्ति उनकी बेटी, उनकी पूर्व पत्नी या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हो और उनके काफी करीब हो। उन्होंने कहा, ऐसे में उनकी हत्या की संभावना बढ़ती जा रही है। ऐसे में डॉक्टर पेट्रोव की थ्योरी के मुताबिक कौन लोग हैं जो पुतिन की हत्या कर सकते हैं, क्योंकि पुतिन अपने निजी जीवन को काफी गुप्त रखते हैं, लेकिन सबको इस बात की जानकारी है कि उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी लियुडमिला पुतिना को शादी के 30 साल बाद 2013 में तलाक दे दिया था। इन दोनों की दो बेटियां हैं, ये 36 साल की मारिया फासेन और उनकी बहन 35 साल की कैटरीना तिखोनोवा हैं। इस बात की भी अफवाह है कि पुतिन 18 साल की लुइजा रोजोवा नाम की एक लड़की के भी पिता हैं। हालांकि पुतिन ने कभी भी इन बातों को स्वीकार नहीं किया है। दोस्तों, भले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या करने के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट लंबी है, लेकिन ऐसा करना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं होने वाला है। अगर कोई ऐसा करने के बारे में सोचता भी है तो उसे पुतिन के करीब आने से पहले बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा अलर्ट रहने वाले पुतिन 24/7 ट्रेन्ड बॉडीगार्ड से घिरे हुए रहते हैं। इसके अलावा उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों का एक बहुत मजबूत घेरा भी मौजूद रहता है। ऐसे में अगर किसी को पुतिन के पास पहुंचना है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।